सो गाइस देख लो, ये है वॉक्सवैगन। वेलकम टू वॉक्सवैगन। वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। टुडे आई एम प्रणव एंड यू आर वाचिंग टेस्ट ड्राइविंग बाय प्रणव। सो गाइस आज मैं आप सभी के सामने ले आऊं वॉक्सवैगन वर्टस टॉप लाइन वेरिएंट, जो कि हमें देखने को मिलता है 1 लीटर इंजन ऑप्शन के साथ। ये सिर्फ अपने को पेट्रोल में अवेलेबल देखने को मिलता है। इसमें अपने को देखने को मिलता है 1000 cc का इंजन, जो कि अपने को निकाल के देता है 113 bhp की पावर एंड 178 Nm का टॉर्क। सो गाइज आज की वीडियो में करने वाले इस कार के ऑल ओवर फीचर स्पेसिफिकेशन कवर्स। सो गाइज बस बिना किसी देरी कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइज अब कर लेते हैं इस कार की अगर फ्रंट प्रोफाइल से बात, तो यहाँ अपने को देखने मिल जाते हैं फ्रंट में LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद इंडिकेटर्स। यहाँ अपने को LED DRLs भी प्रोवाइड किए गए हैं। नीचे अपने को देखने मिल जाते हैं इधर फॉग लैम्प्स। इधर अपने को प्रोवाइड किया गया टोइंग हुक। इसमें अपने को फ्रंट में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं प्रोवाइड किए गए। सिंपल अपने को बेसिकली क्रोम का यूज़ देखने मिल जाता है। यहाँ वॉक्सवैगन का लोगो, तो बाकी इस कार की फ्रंट से लुक तो ऑल ओवर ऐसी देखने मिलती है। इसमें कोई अपने को फ्रंट कैमरा भी नहीं प्रोवाइड किया गया। इसमें अपने को सिंपल रिवर्स कैमरा एंड रिवर्स पार्किंग सेंसर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। फ्रंट में नहीं देखने मिलता कुछ भी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस कार की साइड प्रोफाइल की तरफ। सो गाइज अगर साइड प्रोफाइल से बात करें तो कुछ ऑल ओवर लुक ऐसी देखने मिल जाती है आपको। इसके डायमेंशंस आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। काफ़ी मतलब बढ़िया कार है, काफ़ी लग्जरी कार है, काफ़ी प्रीमियम फील देती है। ये ऑल ओवर लुक भी इसकी काफ़ी अच्छी देखने मिल जाती है। और बाकी ये है जर्मनी कार, जर्मनी इंजन के साथ, तो आपको जर्मनी इंजन की परफॉर्मेंस वगैरह तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो। इसका पिकअप एंड ऑल काफ़ी अच्छा है। इसका कम्फर्ट मतलब काफ़ी कम्फर्ट भी। अभी मैं आपको इस कार के इंटीरियर में भी लेके चलूँगा। अब कर लेते हैं सबसे पहले इस कार की टायर से बात। टायर्स में कुछ अपने को ऐसे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलोविल सीएट कंपनी के इसमें हमने वो टायर प्रोवाइड किए गए हैं 205/55 R16 inches के इसमें अलोविल्स देखने को मिल जाते हैं। या अपने को देखने को मिल जाते हैं ORVM पे इंडिकेटर्स। या अपने को रिक्वेस्ट सेंसर्स प्रोवाइड किए गए हैं ड्राइवर साइड पैसेंजर साइड। टिंटेड इसमें अपने को विंडोज प्रोवाइड की गई है। सनरूफ इसमें अपने को देखने को मिल जाती है बेसिकली। बाकी साइड में तो कुछ ऑल ओवर लुक ऐसी देखने को मिलती है अपने को। बाकी इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको स्क्रीन पर शो रही होगी। और अगर इस कार की मैं माइलेज से बात करूं, इस कार की माइलेज क्लेम करती है 19.4 किलोमीटर पर लीटर की कंपनी, और एक्चुअली मैं इतनी माइलेज निकाल देती है। सिर्फ पेट्रोल में अवेलेबल है, डीजल में तो कोई भी वॉक्सवैगन की गाड़ी अभी आई नहीं रही है, सारी बंद हो चुकी है, ओनली पेट्रोल में आती है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस कार के रियर प्रोफाइल की तरफ। तो गाइस अब कर लेते हैं इस कार के रियर प्रोफाइल से बात। तो रियर से कुछ ऑल ओवर लुक ऐसी देखने में मिल जाती है। इसकी अपनी अपने को लाइट थोड़ी बहुत स्मोक में देखने में मिल जाती है, मतलब जो रेडिश ब्राउनिश रेडिश एक टाइप से। यहाँ अपने को इंडिकेटर्स देखने मिल जाते हैं। यहाँ अपने को देखने मिल जाता है वॉक्सवैगन का लोगो, वर्टस की बैचिंग इसमें अपने को देखने मिल जाते हैं। पीछे 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स इसमें अपने को प्रोवाइड किए गए हैं। बाकी अपने को क्रोम का यूज़ देखने मिल जाता है। नीचे टोइंग हुक भी प्रोवाइड किया गया है। अब मैं आपको करा देता हूँ इस कार का बूट स्पेस टेस्ट। बूट स्पेस बाकी इसमें अपने को अच्छा खासा देखने मिलता है। रिवर्स कैमरा भी प्रोवाइड किया गया है इसमें। बूट स्पेस तो गाइस काफ़ी ज़्यादा ओसम देखने में मिलता है। आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा है। बूट स्पेस की कैपेसिटी आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। बाकी इसमें फर्स्ट एड किट वगैरह प्रोवाइड की गई है, मतलब ये सारी टूल किट वगैरह। तो अभी नीचे अपने को देखने मिलते थे स्पेयर टायर्स, नीचे अपने को देखने मिलता है स्टेफनीस का। फिर अगर स्टेफनीस में टूल किट वगैरह सारा प्रोवाइड किया गया जाता है। तो ऑल ओवर बूट स्पेस तो कुछ ऐसा देखने मिलता है। बाकी इस कार की जो रियर वाली सीट्स है वो भी फोल्ड हो जाती है, फिर उससे बूट इंक्रीज हो जाता है। अगर आपको 2 पैसेंजर्स जा रहे हो कहीं पे लॉन्ग ट्रिप पे और बहुत सारा सामान है, तो आप उन दोनों सीट्स को भी फोल्ड करके जा सकते हो। तो बाकी इस कार में फ्रंट रियर साइड में कुछ ऑल ओवर ऐसी लुक देखने मिल जाती है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस कार के इंटीरियर कैबिन की तरफ। सो गाइस जब मैं आपको लेके चलता हूँ इस कार के इंटीरियर कैबिन की तरफ, दिखाता हूँ इसमें अपने क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं।
सो गाइस अगर इंटीरियर से बात करें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डोर से, तो डोर की जो फिनिशिंग है वो अपने को डुअल टोन प्रोवाइड की गई है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग में अपने को डोर प्रोवाइड किया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है। जैसा आपको पता ही है जर्मनी कार है, तो जर्मनी ब्रांड वोक्सवैगन, इसमें तो सारी क्वालिटी आपको बिल्कुल प्रीमियम प्रोवाइड की जाती है, एंड आपको सेफ्टी और जो इसमें फीचर्स वगैरह वो लोग बढ़िया देखने को मिलते हैं। बाकी हमने को यहाँ फीचर्स से बात करें तो पावर विंडो प्रोवाइड की गई है, ORVM कंट्रोल्स ये अपने को देखने को मिल जाते हैं, सेंट्रल लॉकिंग का ऑप्शन कुछ ऐसे टाइप का हैंडल, नीचे अपने को देखने को मिलता है बोतल होल्डर, एंड यहाँ अपने को लेदर फिनिशिंग का यूज़ देखने को मिल जाता है। डुअल टोन में काफ़ी अच्छा लुक देखने को मिल रहा है, काफ़ी प्रीमियम लुक देखने को मिल रही है अपने को। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस कार के इंटीरियर में, तो इंटीरियर की लुक अपने को कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है ऑल ओवर। बाकी अपने को मैनुअल सीट्स एडजस्टेबल देखने को मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक का कोई ऑप्शन नहीं देखने को मिलता। यहाँ अपने को 3 पैडल्स देखने को मिल जाते हैं, ये मैनुअल वेरियंट है, इसमें अपने को ऑटोमेटिक वेरियंट भी देखने को मिल जाता है, और ऑटोमेटिक का जो ऑन रोड प्राइस है वो अपने को 18,68,000 देखने को मिल जाता है। तो यहाँ अपने को देखने मिल जाते हैं हेडलाइट कंट्रोल्स वगैरह, ऑटो हेडलाइट वगैरह देखने मिल जाती है, अपने को हेडलाइट लेवलर देखने मिल जाते हैं। बाकी अब चलते हैं इस कार में, करते हैं इस कार के इग्निशन वगैरह ऑन, कराता हूँ आपको इस कार के ऑल फीचर टेस्ट। सो गाइज अभी इस कार का इंटीरियर व्यू अपने को ऐसा देखने को मिलता है विदाउट इग्निशन, तो अभी करते हैं इस कार का इग्निशन ऑन। इग्निशन बटन अपने को यहाँ प्रोवाइड किया गया है इसमें, और जो इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लुक है ना, काफ़ी मस्त लग रही है, काफ़ी प्रीमियम एंड लग्जरी फील दे रही है। जो इसका सेंटर कंसोल भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, ऑल ओवर जो इसका इंटीरियर है वो काफ़ी बढ़िया, एक्सटीरियर से ज़्यादा ग्रेस इसके इंटीरियर में आ रही है। अभी आप इसकी थोड़ी फैन स्पीड ना कम कर लेते हैं, कहाँ से होगी ये भी नहीं पता गाइज मुझे तो सिस्टम। तो अभी आपने को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लुक कुछ ऐसी देखने मिल जाती है। अभी ये लाइट्स ऑन करने के लिए बोलते हैं वॉक्सवैगन वाले, ऑटो पे कर देते हैं, अपने आप कंट्रोल होती है फिर लाइट्स। तो अभी यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ अपने को ऐसे टाइप का देखने मिल जाते हैं, यहाँ टेम्परेचर वगैरह पर मतलब बताता रहता है ये, यहाँ अपने को किलोमीटर ड्राइवन और ये फ्यूल टैंक कैपेसिटी। बाकी यहाँ आप MID से बात करें ना, तो MID कंट्रोल्स वगैरह देखने मिल जाते हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये भाई ये रेसिंग वाला स्पीडोमीटर इसमें प्रोवाइड किया गया है। इसमें फीचर्स तो काफ़ी सही लग रहे हैं मुझे, प्रीमियम लुक है, क्योंकि इसमें देख रहे हो आप जो इसका इंस्ट्रूमेंट मतलब MID है, इसमें आप स्पीडोमीटर देखो, RPM मीटर हो गया, सिंपल हो गया। बाकी आप इनको जैसे फ्यूल वाला और ये हटा भी सकते हो साइड से, मैं आपको इसको हटा के दिखा देता हूँ। जैसे अब इस पर गए, फिर ऊपर किया नो डिस्प्ले, ये हट गया, यहाँ पे गए, यहाँ गए तो नो डिस्प्ले, तो ये प्रॉपर क्लीन हो गया। अब यहाँ सिर्फ अपने को स्पीड शो होगी। अगर बाकी आप इनको एंटर करना चाह रहे हो तो साइड से दबाओ, ड्राइविंग डाटा देखना तो ड्राइविंग डाटा देख लो, अगर कुछ भी देखना तो वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी अपने क्रूज कंट्रोल्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं, यहाँ हेडलाइट कंट्रोल्स, यहाँ वाइपर कंट्रोल्स अपने को देखने मिल जाते हैं, और गाइज कुछ इस कार का इंटीरियर। सो गाइज इसमें अपने को इंफोटेनमेंट देखने को मिलता है 10 इंच का, जिसमें अपने को एंड्रॉइड टू एप्पल कारप्ले सारा वायरलेस प्रोवाइड किया गया है। बाकी अपने को AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, सारे AC कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह, एयर प्यूरीफायर इसमें अपने को प्रोवाइड किया गया है। बाकी अपने को वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलती है, 2 C-type पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, ये अपने को मैनुअल वेरिएंट के साथ देखने को मिलती है। अभी ये तो 6 gear सेटअप बॉक्स देखने मिलता है, ये अपने को आइडल ऑन ऑफ कंट्रोल देखने मिलता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, इधर अपने को दोनों सीट के वेंटिलेशन कंट्रोल देखने मिलते हैं ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड के, ये अपने को 12 volt का चार्जिंग सॉकेट प्रोवाइड किया गया है, या मैनुअल हैंड ब्रेक, और ये अगर हैंडरेस्ट की बात करें तो यहाँ कुछ अपने को इतना स्पेस देखने मिलता है, काफ़ी डिसेंट स्पेस है, लेकिन आप कुछ भी इजीली रख सकते हो छोटा मोटा सामान। बाकी इस कार के इंटीरियर की लुक तो ऑल ओवर ऐसी देखने को मिल रही है। सो गाइस देख लो, ये है वॉक्सवैगन, वेलकम टू वॉक्सवैगन सिस्टम। तो गाइस जैसे आप ना इग्निशन ऑन करते हो ना, तो यहाँ वेलकम टू बॉक्स वगैरह लिखा आता है। बाकी ग्लोब बॉक्स से बात करें तो यह काफ़ी डिसेंट स्पेस है, लेकिन पेपर वर्क्स वगैरह आप इजीली रख सकते हो। ये अपने को ब्लैक पियानो फिनिशिंग का यूज देखने मिल जाते हैं, अपने को हजार्ड लाइट का ऑप्शन, ये अपने को IRVM, इसकी क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही है फिलहाल तो। बाकी अपने को देखने मिल जाते हैं सनरूफ कंट्रोल, सनरूफ का साइज इसमें ऑल ओवर काफ़ी सही देखने मिल जाते हैं सेडान के हिसाब से। बाकी अपने को LEDs वगैरह देखने मिल जाती है, तो यहाँ अपने को डोर लाइट्स वगैरह, ये सनरूफ कंट्रोल्स, वैनिटी से बात, यहाँ फ्रंट साइड से बात करें तो कोई वैनिटी मिरर नहीं प्रोवाइड किया गया, वहाँ प्रोवाइड किया गया है वो थोड़ी सही क्वालिटी का है। बाकी इसका इंटीरियर का लुक ऑल ओवर ऐसा देखने को मिल जाता है। इसमें फीचर्स भले ही और
कार से कम हो जो इस प्राइस में, वरना वगैरह देखने मिलती है। लेकिन जो इसकी सेफ्टी है और जो ये भागेगी ना, ये 260 स्पीड दिख रही है ना, ये चढ़ जाएगी भाई 230 तो मजे में। तो भाई वॉक्सवैगन का यही तो बेनिफिट है, जर्मन इंजन है, जर्मनी पावर, मतलब पावर ही वो आप इंजन होते हैं ना इनके, फेमस है जर्मन इंजन हमेशा पावर के लिए। और इनका कम्फर्ट तो भाई आप लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हो, जैसे भाई बैठा है अपना बिल्कुल कम्फर्टली बैठा है, आराम से सो के जा सकता है। तो अभी फिलहाल इस कार में अपने को फ्रंट में इतना ही कुछ देखने मिलता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस कार के रियर कैबिन में। सो गाइस अब चलते हैं इस कार के रियर कैबिन की तरफ। कराता हूँ मैं आपको इस कार का लेगरूम स्पेस टेस्ट। तो फ्रंट में तो काफ़ी कंफर्टेबल था, रियर का और चेक कर देते हैं। तो अब यहाँ भी अपने को डुअल टोन में डोर प्रोवाइड किया गया है विद पावर विंडो एंड इधर कुछ ऐसे टाइप का हैंडल। ट्वीटर्स एंड स्पीकर्स मिल जाते हैं इसमें अपने को, काफ़ी अच्छी फिनिश है इसकी, लैदर फिनिश भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो अभी इंटीरियर में चलते हैं, इंटीरियर से बात कर लेते हैं। इंटीरियर से सबसे पहले कर लेते हैं अपन लेग स्पेस से बात। तो लेग रूम स्पेस तो काफ़ी सही देखने मिल जाता है इसका, लेकिन हेडरूम तो मैं कहूँगा थोड़ा बहुत कम है, क्योंकि ये सेडान कार है तो आप देख रहे हो हेडरूम तो थोड़ा बहुत अपने को कम देखने को मिल रहा है बेसिकली। लेकिन पीछे भी कम्फर्ट है थोड़ा बहुत, यहाँ जो सेकेंड मिडल में बैठेगा ना बंदा वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होएगा, उसको थोड़ा बहुत पीछे कम्फर्ट जोन नहीं आएगा। इसमें हम्प भी नहीं है वैसे तो, लेकिन ये ऑल ओवर बिल्कुल फैमिली कार है, आप लॉन्ग ट्रैवल इजीली कर सकते हो इससे, बढ़िया कहीं पे भी अगर आपको लॉन्ग रूट पे जाना है। इसका बूट स्पेस भी आपको मैंने दिखाएगी कैसा अच्छा खासा बूट स्पेस है। इंटीरियर तो आप देख रहे हो और सनरूफ भी प्रोवाइड की गई है इसमें वेंटिलेशन वगैरह के लिए। बाकी अपने को पीछे एसी वेंट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, दो अपने को सी टाइप चार्जिंग सॉकेट भी, और इंटीरियर से लुक किया अपने डुअल LEDs भी प्रोवाइड की गई है। तो इंटीरियर से कुछ ऑल ओवर लुक, लेग रूम तो इसका ऑल ओवर काफ़ी सही लगा है। जो हेडरूम से बात करें तो ऑल ओवर ठीक ठाक सा लगा, मतलब काम चलाओ जिसे आप बोल सकते हो। तो भी तो इस कार में अपने ऑल ओवर इतना ही कुछ देखने मिलता है लेग रूम। लेकिन जो इसकी सीट्स है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, चाहे फ्रंट की हो चाहे रियर की हो, क्योंकि इसमें अपने को वेंटिलेशन वाले होल भी देखने मिलते हैं, तो स्वेटिंग का ना कहीं ये प्रिवेंट कर लेती है सीट्स। आगे दो में तो इलेक्ट्रॉनिक वेंटिलेशन का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है, पीछे ऑप्शन नहीं देखने मिलते, लेकिन जो सीट्स में होल देखने मिलते हैं वेंटिलेशन के लिए। सो गाइस बस, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना। सो गाइस बस, मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।